आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैनल के बारे में जिसने अपना सैटेलाइट चेंज कर लिया है, बदल लिया है। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो कि अपने घर पर केबल टीवी डीटीएच का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर पर सी बैंड का डिश भी इस्तेमाल करते हैं। 5 फीट का हो गया, 6 फीट का हो गया, 8 फीट या 10 फीट का भी हो गया, वो भी यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोग करते हैं, चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फ्री टू वेयर चैनल चाहिए लाइफ टाइम के लिए फ्री में, या फिर उनका दूसरा जो है वो तरीका होता है कि भाई उनको जो है एक तरीके से सैटेलाइट को टेस्ट करने का, या फिर एक तरीके से शौक होता है, वो उन चीज़ों में जो है अपने आप को ज़्यादा मगन रखना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें भी एक तरीके से शौक है, हमारा एक इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तभी हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाकर देते हैं। उसी तरह से आप भी जैसे कि शौक रखते हैं तभी आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सी बैंड का सेटअप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन खास कर रहेगी ताकि कल को उनको कोई इशू ना आए, समस्या ना आए कि ये चैनल बंद हो गया। नहीं, पहले जो चैनल था, जो जिस चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इंटरसेट 17 जो कि 66 डिग्री ईस्ट सी बैंड का सैटेलाइट है, उस पर चल रहा था, लेकिन अब वहां से ट्रांसमिशन इसका ऑफ हो गया है। और अब इस चैनल को अगर कोई देखना चाहे तो उसे अपना सैटेलाइट की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, और वो करनी होगी 83 डिग्री ईस्ट जो कि G30 सी बैंड का सैटेलाइट है, उस ओर। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बात तो सिर्फ एक चैनल की ही है, लेकिन अगर आप ये चैनल काफी अपने आप में आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके घर वालों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और इस चैनल को आप वाकई में देखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा सैटेलाइट में, G30 में करना पड़ेगा। चैनल कौन सा है वो जान लीजिए, तो चैनल का नाम रहेगा साई टीवी। ये जो है एक तमिल डिवोशनल चैनल है जो कि आपको भगवान साईं बाबा जी से संबंधित कंटेंट दिखाता है, काफी पॉपुलर भक्ति का चैनल है तमिल रीजनल कंटेंट में, और ये अगर कोई देखता है तो टाटा प्ले में, डिश टीवी में जो कि साउथ इंडियन अलाइनमेंट है, डीटूएच में, 8 डिजिटल टीवी में, सेंट्रल में भी मिल जाता है। और अगर इसको फ्री टूर में देखना हो आपने तो C1 के सैटेलाइट पर इंटरसेट 17 पर चलता था, लेकिन अब इसको G30 पर शिफ्ट कर दिया है। फ्रीक्वेंसी की जानकारी सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी जिस पर ये चैनल को जो है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से और तमिल चैनल्स भी हैं जो कि काफी समय से इंटरसेट 17 से शिफ्ट हो रहे हैं अपने G30 में। उस समय पहले MK Tunes, MK6, MM TV और भी कई चैनल्स हैं तमिल लैंग्वेज में, MNadu हो गया, वो भी जो है सभी रिसेंटली G30 में आए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो है और भी तमिल चैनल जो है वो अपने आपको G30 में जो है शिफ्ट करते हुए दिखाई देने लगे हैं, और साई टीवी भी उसमें से एक चैनल जो है वो शामिल हो गया। तो उसके बारे में आपके मन में अभी कुछ सवाल हो उस चैनल को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, यही कोई चैनल था जिसके बारे में हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और इसने अपना हाल ही में सैटेलाइट बदल दिया।